विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। ये कैसी काली मचा रही है, अब मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। मैं सदा के लिए इस जलकुंड में छिप जाता हूँ और इसके भीतर मुझे कोई देख नहीं सकेगा। क्रैश! मैं क्षमा चाहता हूँ पिताश्री, किंतु आपके पुत्र चंद्र ने मेरी माँ को ठेस पहुँचाई, उन्हें कष्ट दिया। ये मैं कैसे स्वीकार करूँ पिताश्री, कैसे स्वीकार करूँ, आप ही बताइए। जो एक पुत्र को लगा उसने किया, मुझे क्षमा करें पिताश्री, मुझे क्षमा करें। गणेश कुछ भी सुनने और समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि पिताश्री के शब्द भी उसे प्रभावित करने में अक्षम हो रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भौम के क्रोध का यह अतिरेक उचित नहीं, यदि वो शांत नहीं हुआ तो उसके क्रोध का कोई दुष्प्रभाव सृष्टि पर अवश्य होगा। अग्निदेव, आपका पूर्व आभास सत्य का रूप लेकर हमारे समक्ष आ ही गया। इतनी प्रसन्नता, इतने आनंद के बाद इतनी प्रतिकूल और इतनी दुखदायक घटना अंततः घट ही गई। किंतु देवराज, मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि चंद्रदेव को गणेश जी का उपहास करने की क्या आवश्यकता थी। वरुण देव, ये तो मैं भी समझ नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी भूल के लिए मैं प्रेरित कैसे हुआ। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। देवगण सावधान, गणेश जी का श्राप स्मरण रहे। चंद्रदेव, आप और यहाँ तो मैं क्या करूं इंद्रदेव, आप ही बताएं ये कैसी विडंबना है। मैं भी तो एक देवता हूं, किंतु अब प्रथम पूज्य गणेश जी के श्राप उपरांत देवताओं के मध्य मेरी उपस्थिति वांछित नहीं। आप ही बताएं क्या करूं देवराज, कहां जाऊं मैं। चंद्रदेव, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, किंतु मुझे क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपको कोई भी सुझाव देने में असमर्थ हूं। अब हमसे सुझाव का क्या लाभ चंद्रदेव, आपने तो पूर्व में कोई विचार नहीं किया था ना। आपको तो पूर्व में विचार करना चाहिए था। प्रथम पूज्य गणेश जी का, पार्वती नंदन गणेश जी का, विघ्नहर्ता गणेश जी के उपहास के पूर्व कितना अनुचित व्यवहार था आपका चंद्रदेव। भला कोई बालकों के भोजन का उपहास करता है। चंद्रदेव, हम सभी देवता विवश हैं, हम यहाँ आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप पर दृष्टि पड़ने से हम सब कलंकित हो जाएंगे। आपकी भूल के कारण हम पुनः संकट में पड़ जाएं, ये उचित नहीं। देवताओं, में आपकी चिंता समझता हूँ, पूर्व में भी मेरे कारण पर्याप्त अहित हुआ है, किंतु मेरा विश्वास करें, अब किसी का भी मेरे कारण अहित हो मुझे कदापि स्वीकार नहीं। ये मैंने स्वयं को कैसे संकट में डाल दिया है, जिनसे मुझे स्नेह है उन्हीं के लिए अहितकर हो गया हूं मैं।
स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे देखकर मुख क्यों मोड़ लिया? स्वामी? नहीं रोहिणी, वहीं रुक जाइए, मेरे निकट आने की भूल ना करें। मैं आपसे विदा लेने आया हूं, मुझे वहीं से विदा कीजिए। नाथ, आपके शब्द मेरे मन में अनेकों आशंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। आप बताइए ना मुझे, क्या हुआ है स्वामी? मैं श्रापित हो गया हूं रोहिणी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी ने मुझे श्राप दिया है। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा। कलंकित हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। किंतु स्वामी, 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 कैसा अनर्थ हो गया। गणेश, ये कैसा श्राप दे दिया तुमने चंद्रदेव को? भैया, आप मुझसे ही प्रश्न कर रहे हैं, किंतु क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ अनुज, अवश्य पूछ सकते हो। तो बताइए भैया, यदि आप मेरे स्थान पर होते, यदि आप माँ को पृथ्वी पर अचेत अवस्था में देखते और आपको ये ज्ञात होता कि उनकी इस अवस्था के कारण आपके प्रति उनका अगाध स्नेह है, आपके हित की चिंता है और उसी कारण हमारी माँ को इतना अपार कष्ट हुआ है, और जब आपको ज्ञात होता कि उस अवस्था को उत्पन्न कराने वाला दोषी कौन है, तो क्या आप उसे क्षमा कर देते? बताइए मुझे, क्या करते आप भैया? मेरी माँ को कष्ट पहुँचाने वाले दोषी को मैं अवश्य कठोर से कठोर दंड देता गणेश। मैंने जो किया वो भी उचित था ना भैया? मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश, किंतु पिताश्री भी तो अनुचित नहीं कह रहे हैं, उनका कथन भी तो सर्वथा उचित है। वास्तविकता में उचित और अनुचित कुछ होता ही नहीं है, ये तो परिस्थिति है जो दो मित्रों को, परिजनों को, दो सकारात्मक शक्तियों को भी परस्पर विरोधी बना देती है। और अब तुम्हारे श्राप के प्रभाव से वो और भी कष्ट का कारण बनेंगे, अपने परिवार के साथ साथ समस्त सृष्टि के अहित का कारण बनेंगे वो। ये क्या हो गया? अपने सौंदर्य के अहंकार के कारण मैं अपने समाज, अपने परिजनों से परित्यक्त हो गया हूं। ये पुष्प मेरे कारण मुरझा गए। सत्य है, ये मेरी उपस्थिति का दुष्प्रभाव है। नहीं, नहीं, नहीं।
जो कुछ भी मेरे समक्ष है वे सब मेरे कारण ही कलंकित हो रहे हैं। ये सर्वथा अनुचित है। इतना बड़ा कलंक मैं स्वयं पर नहीं ले सकता, नहीं ले सकता मैं। अब तो मैं किसी को भी अपना मुख नहीं दिखा सकता। क्यों, क्यों किया मैंने ऐसा? प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ ऐसा अनुचित आचरण क्यों किया मैंने? अब अपने इस दोषपूर्ण आचरण के कारण मैं सभी के लिए अदर्शनीय, वर्णहीन और अत्यंत मलिन हो गया हूँ। ये क्या हो रहा है? ये कैसी काली मचा रही है? नहीं, अब मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा और ना ही किसी के कलंकित होने का कारण बनूंगा। मैं सदा के लिए इस जलकुंड में छिप जाता हूं और इसके भीतर मुझे कोई देख नहीं सकेगा। समझ में आया तुम्हें? तुम्हें क्या किया तुमने? मैं तो माँ के साथ था पिताश्री, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। गणेश, पिताश्री, प्रतीत होता है चंद्रदेव अपना स्थान छोड़कर कहीं और प्रस्थान कर गए हैं। ये तो सर्वथा उचित है, अति उत्तम है भैया। पिताश्री, अब चंद्रदेव के आपके शीश पर उपस्थित ना रहने से, उनकी कांति खो देने से हम बिना कलंकित हुए आपके दर्शन करने के लिए मुक्त हैं। हमारी समस्या का समाधान तो स्वतः ही हो गया। हमारा परिवार अब पुनः कुशल है। ये गणेश को क्या हुआ? सदा अन्य सभी की चिंता करने वाला मेरा पुत्र अचानक इतना कठोर कैसे हो गया? पुत्र, जो तुम कर चुके हो उसके प्रभाव के बारे में एक बार गहनता से मंथन करो। जाओ पुत्र। ब्रह्मदेव, माता सरस्वती, गणेश जी ने जो भी किया उसका कारण समझती हूँ मैं। मेरे स्वामी चंद्रदेव ने भूलवश माता पार्वती को कष्ट पहुंचाया, किंतु स्वामी सभी की दृष्टि से ओझल हो गए। अब तो उन्हें गए भी कई दिवस गुजर चुके हैं, किसी को भी ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ है। देवी रोहिणी, गणेश के लिए उसके माता पिता ही सर्वोच्च हैं। तो गणेश, जो अन्यथा निष्कपट और सरल और कोमल हृदय बालक है,
अपनी माता को कष्ट में देखकर उसका क्रोध जागृत होना भी स्वाभाविक है। प्रभु, मैं केवल अपने स्वामी के लिए विनती करने यहाँ प्रस्तुत नहीं हुई हूँ। तनिक विचार कीजिए, चंद्रदेव से रिक्त संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। संपूर्ण प्रकृति पर, सभी जीवों पर स्वामी की अनुपस्थिति का भयंकर और विनाशकारी प्रभाव होगा। प्रभु, अब आप ही हम सभी की रक्षा का और सृष्टि के हित का कोई उपाय सुझाइए। प्रभु, कोई उपाय सुझाइए। क्या मैं अपने स्वभाव के विपरीत वास्तव में हट पर अड़ गया हूँ? और ये जो मुझे बार बार क्रोध का आभास हो रहा है, इसका कारण क्या है? पिताश्री उचित कहते हैं, मैंने क्रोधावास में ही चंद्रदेव को शापित कर दिया, किंतु क्यों, क्या कारण हो सकता है इसका? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ भौम के तप के कारण उसके शरीर से उत्पन्न हुई उग्र ऊर्जा में निरंतर वृद्धि हो रही है, उसकी उग्रता भी बढ़ती जा रही है। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, मुझे समझ में आ गया है कि ये मेरे भीतर क्रोध स्वाभाविक नहीं है। आप देवाधिदेव महादेव हैं, सभी का मार्गदर्शन करते हैं आप। आप ही मेरे इस क्रोध को शांत करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। पुत्र गणेश एक अंतर्द्वंद से जूझ रहा है। पुत्र कार्तिकेय, तुम जाओ, उससे संवाद करो, उसे उचित मार्ग दिखाओ, उसे समझाओ कि चंद्र की उपस्थिति के बिना ब्रह्मांड को क्या क्षति पहुंचेगी। जाओ पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। आप भी कृपा कीजिए प्रभु, कोई सुझाव सुझाइए। देवी रोहिणी, ये संकट गणेश के चंद्रदेव को शाप देने के कारण उत्पन्न हुआ है, और यदि कोई ये संकट हर सकता है तो वो गणेश ही है। कल ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, आप व्रत कर गणेश की पूजा करें। गणेश को प्रसन्न करने का एकमात्र यही उपाय है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। देखा अनुज गणेश, चंद्रदेव की अनुपस्थिति के कारण ही संपूर्ण सृष्टि में ऐसी भयंकर उष्मता उत्पन्न हुई है। हमें इसका कोई ना कोई निदान तो ढूंढना ही होगा ना अनुज। आओ अनुज गणेश, मेरे साथ पिताश्री के निकट चलो। अब इस परिस्थिति से हमें मुक्त कराने का कोई उचित सुझाव देकर वही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं अनुज। हाँ भैया, मैं पिताश्री की शरण में जाऊंगा।
चंद्रदेव को ढूंढने के लिए मेरा मार्गदर्शन करने का अनुरोध करूंगा। इस संकट से मुक्ति का मार्ग जो ब्रह्मदेव ने हमें बताया है, उस पर अड़िग रहूंगी मैं। अपार श्रद्धा और भक्ति से श्री गणेश जी की पूजा करूंगी मैं। देवी रोहिणी, प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु हम सब देवता भी इस पूजा में आपके साथ सम्मिलित होंगे। संकट तो बढ़ता ही जा रहा है देवराज इंद्र, पृथ्वी की उष्णता तो बढ़ती ही जा रही है। चंद्रदेव की शीतलता का अभाव अब अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दर्शा रहा है और स्थिति और भी क्रमशः गंभीर होती जाएगी। हमें प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र प्रसन्न करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भक्ति की शक्ति से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, बस आवश्यकता है पूर्ण समर्पण की।